दिखाएगी। हाँ वो तो दिख रहा है भाई, ये देख सकते हो जितनी भी इमारत है सब सेम डिजाइन का है। सुअर है ना, ये दरभंगा घाट है। वाह वाह वाह, हमारे मिथिला का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। तो हम आ गए हैं भाई सवारी करने के लिए नौका का, और हमको पूछते हैं भैया से। हेलो भैया, कहाँ कहाँ घुमाएंगे आपको? काशी विश्वनाथ मंदिर तो घुमाएंगे, मणिकर्णिका घाट जिसमें आपका 55 घाट कवर होगा, यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर आना जाना अप डाउन दोनों 45 मिनट लगेगा। और कितना चार्ज है? 100 रुपीज पर पर्सन। 100 रुपीज ही तो लगेगा। चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं बनारस का घाट। नौका देखो भर चुका है और अब स्टार्ट होने वाला है और पूरा मजा आने वाला है भाई। नौका चालू हो चुका है और देखो घाट को पीछे छोड़ के हम आगे आ गए हैं। और ये सेफ्टी किट लगाना मत भूलना अगर आप लोग आते हो तो, ये बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं जो भी होगा। सारे लोग बैठ के रेडी हो चुका है हमारा। और ये देखो पीछे पीछे घाट, ये 80 घाट है पीछे, बार बार बता रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई, क्या बताएं। देखो ये है कौन सा घाट है भाई? चेत सिंह घाट। देख भाई चेत सिंह घाट, कुल मिलाकर 84 घाट है यहाँ पे। 85 है ना, 85 घाट है भाई टोटल बनारस में। थोड़ा इस तरफ का भी नज़ारा दिखा देते हैं भाई। गंगा जी का पता हनुमान घाट, देख भाई हनुमान घाट है ये। हर हर महादेव। भाई नौका की सवारी करना एकदम मजेदार अनुभव है, जो भी आना ना 80 घाट तो जरूर ये वाला सवारी करना, बहुत मजा आएगा भाई। आ गए हैं एकदम मंदिर के पास। और ये देखो इसी से हमको पता चला कि ये इसी से पहले हम आए हुए थे तो यहाँ पे देखे हुए थे कि यहीं पे मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर भाई उसी जगह पे है। चलो अगर नौका आगे तक जाती है तो पता चल जाएगा। कहाँ पे है मंदिर भैया? यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मंदिर, दिखता तो बहुत अच्छा रहा था। इससे पहले आए हुए थे ना तो इसे पूरा मतलब उतना पानी नहीं था, अभी तो पूरा भरा हुआ है भाई। और यही जगह, इसी जगह पे अभी हम दोबारा से आएंगे जब हमारा जो नौका वो खत्म होगा, नौका का यात्रा खत्म होता है। और ये देखो मणिकर्णिका घाट है भाई, ये भी बहुत फेमस है। 80 घाट के अलावा ये एक ऐसा है मणिकर्णिका घाट, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत चर्चा है भाई इसके बारे में, नेट पर देख लेना, बहुत चर्चा है इसका मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे भाई 24 घंटा मतलब चिताएं जलती रहती है, क्या बताएं। और देखो भाई, और ये देखो कोई जानवर है, सुअर है ना वो, मतलब अति हो गया है भाई। देखो इसको निकाल के अलग रख देना चाहिए ना, सुअर है शायद। और ये देखो हमारी सवारी अभी और बाकी, अभी आधी खत्म हुई है, आधी तो बाकी ही है भाई। और यही है देखो लिखा हुआ मणिकर्णिका घाट, एक ना एक दिन तो यहाँ पे आना ही है भाई हर किसी को।
देख लो। तो भाई यहीं पे जो है सो हो सकता है दर्शनीय घाट, अगर रुकेगी नौ का तो हम उतर जाएंगे, तो उतना दूर जाएंगे फिर आएंगे। इससे अच्छा है कि यहीं पर उतर के चले जाएंगे मंदिर में दर्शन लेने के लिए। और अनुभव का क्या बताएं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये देखो अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं वहाँ पे अस्सी घाट पे, कितने सारे लोग। तो भाई इसी नौका से हम आए थे सवारी करके और मणिकर्णिका घाट पे उतर गए हैं, तो आपको मणिकर्णिका घाट भी घुमा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन लेने के लिए। देखो भाई यही है मणिकर्णिका घाट का नज़ारा, कुछ इस तरह का है। और वो देखो भाई लकड़ी, यहाँ के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ पे 24 घंटा चिताएं जलती रहती है भाई, 24 घंटा। इससे पहले भी हम आए हुए थे यहाँ पे और चिता कहाँ जलती है चलो देखते हैं, पता करते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पे ऊपर साइड जल रही है, देखो थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर साइड जल रही है, चलो आगे चल के देखते हैं। भाई काशी विश्वनाथ मंदिर मतलब इतना फेमस है ना पूरी दुनिया में कि मतलब सिर्फ हमारे इंडिया के नहीं विदेशी लोग भी आते हैं और यहाँ के दर्शन लेते हैं। देखो जैसे ये लोग विदेशी लोग हैं, तीन चार लोग हैं, और हम लोग को अच्छा लगता है भाई भारतीय संस्कृति को बारे में जो है सो बाहर के लोग इतना मतलब बढ़िया से आते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और वहाँ के लोगों को जाके बताते हैं, इससे मतलब बहुत अच्छा है हमारे इंडिया के लिए। तो चलो अब हम आपको मंदिर के पास ले चलते हैं। मंदिर जाने का ना एक गेट यहाँ से था, यहाँ से, तो यहाँ से मतलब बंद है, शाम में 4 बजे खुलेगा बोल रहे थे कि मतलब वो सर्वे चल रहा है इसीलिए बंद है, सर्वे मतलब ज्ञान वापी का सर्वे चल रहा है शायद इसीलिए बंद है। तो चलो गेट नंबर 4 पे जाके देखते हैं कि वहाँ से एंट्री मिलती है कि नहीं, दर्शन तो कोशिश करेंगे भाई भगवान जी को देखने का। तो अभी हम 4 नंबर गेट पे पहुँचने ही वाले हैं और देखो भाई इतना सारा मतलब मीडिया वाले लोग आए हुए हैं, पता नहीं कुछ होने वाला है, शायद सर्वे हो रहा है इसी वजह से या फिर कोई नेता लोग आने वाले होंगे, बहुत सारे मतलब पुलिस वाले भैया लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो चलो हम चलते हैं गेट नंबर 4 पे जहाँ से मुझे एंट्री मिलेगी अंदर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी एरिया है भाई यहाँ पे मतलब लगभग 500 मीटर से सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं भैया लोग, पूरा एकदम भरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का आती है, जो भी हो चलो हम लोग को मंदिर जाना है। तो भाई हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, ये लोग तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूरा इतना भीड़ लगा हुआ है। हम जाएंगे आगे से, सामने गेट है, इस गेट से जाएंगे और मतलब भगवान का दर्शन करेंगे निःशुल्क लौट कर। यहीं पे जाके हम थोड़ा सा सामान जमा कर देते हैं, फ़ोन को भी यहीं पर जमा करना पड़ेगा, फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो दर्शन करके आते हैं फिर अपना अनुभव जो होगा वो आपको बताएंगे। देखो भाई पूरा एकदम से भीड़ लगा हुआ है और ये मंदिर है इसके अंदर, देखो वहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर है और उसके ठीक बगल में एक मंदिर है ये, और ये जो है ना भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है इसके ठीक पीछे और ये अन्नपूर्णा मंदिर है। तो चलो अब हम चलते हैं दर्शन लेने के लिए, फोन को जमा कर हो चुका है हमारा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब वीडियो को यहीं पे सोच रहे हैं ख़त्म करने का, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा देते हैं। देखो जितनी भी इमारत है यहाँ पे, जितनी भी इमारत है सब सेम डिज़ाइन का है, वो जो लिखा हुआ है दुकान का नाम वो भी सब सेम डिज़ाइन का है, इसलिए बनारस नगरी खूबसूरत मतलब इसलिए है क्योंकि सारा कुछ सेम सेम लगता है। मैं हूँ दशाश मेघ घाट पे, तो एक भाई लोग मिले हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। तो भाई यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है। आप कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से मतलब योगी जी के नगरी से है ना? वाह क्या बात है, तो योगी जी के जरूर फैन होंगे आप यहाँ आए हैं तो। जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब कितना विकास हुआ है यहाँ पे? और इससे पहले कभी आए थे मतलब इससे पहले? तो उस समय का माहौल कैसा था जब मोदी जी नहीं आते थे यहाँ पे? सब जगह राशियन ही राशियन दिख रही थी। हाँ वो तो दिख रहा है भाई, ये देख सकते हो मतलब काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और ये भाई लोग भी है भाई, उन भाई लोगों से मिल के अभी आ रहे थे, तो देखो 100 का नोट गिरा हुआ मिला, पूरा सब पैर दे के जा रहा था तो हमको अच्छा नहीं लगा, उठा लिए
अब क्या करते, उठाना नहीं नहीं उठाते ना तो वहाँ पे सारे लोग पैर दे दे पैसा पे, अच्छा नहीं लगता है ना। अब हमको थोड़ी पता है कि किसको इसका जरूरत है या फिर किसका है ये, तो ले लिए, देखते हैं कुछ करेंगे इसका, नहीं तो फिर हमको भी तो जरूरत है, हम भी तो ट्रेवल करते हैं पूरा इंडिया का, तो हमको भी तो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा हम बताएंगे। हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके और अब जा रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हमारी साइकिल लगी है और वहाँ से हम आए हैं राइड स्टार्ट करके। आज बहुत सारी बातें हुई है तो भाई हम आ चुके हैं एक मंदिर में, यहाँ लगभग बनारस से 15 किलोमीटर दूर है और एक भैया की वजह से हमको मिला है यहाँ पे रुकने का जगह। चलो उस भैया से हम थोड़ा सा बात करवाते हैं। तो भैया यही है वो भैया जिनकी वजह से हमको रुकने का जगह मिला। भैया ये कौन सी जगह है? हनुमान मंदिर राजा तालाब भांगड़वीर मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं यार, 150 आदमी रुके, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुल्क नहीं है, कोई एक बार नहीं है, आप लोग कायदे से रुकिए और यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जो भी ट्रैवलर भाई वीडियो देख रहे हो, अगर आप बनारस आते हो तो रुकने का एक अच्छा सा जगह है यहाँ पे, भैया तो एड्रेस बता ही दिया है, तो आ जाना। ठीक है, अब देखते हैं आगे का जो भी होता है बताएंगे।